Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस, जैसे कि आप सबको पता रहेगा कि अभी फिलहाल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर कि हमारे दी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ दी ओरिजिनल हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस गाइस उनकी लड़ाई चल रही है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर अगेंस्ट द ब्लड लाइन। लेकिन पॉसिबली गाइस हमको जो कि रोमन रेंस की लड़ाई चल रही है ब्लड लाइन के अगेंस्ट, उसमें आपको पता है कि जो कि हमारे WWE चैंपियन कोडी रोड्स गाइस उन्होंने तो गाइस को रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया है ये लड़ाई में। लेकिन गाइस एक और बंदा हमको पॉसिबली रोमन रेंस के लड़ाई में जुटे हुए दिख सकता है और वो है हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेजनर। अभी मैं आपको पूरा मसला समझा दूं कि कैसे ब्रॉक लेजनर का हमको इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होते हुए दिख सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि द ब्लड लाइन जो कि सोलो सिकोवा वाली ब्लड लाइन है, उन्होंने कुछ महीनों पहले पॉल हेमिंग के ऊपर बहुत ही गंदा वाला अटैक किया था। और जैसे कि हमको पता है कि आज तक WWE में कभी भी हमारे पॉल हेमिंग के ऊपर कोई भी हाथ उठाने वाला बंदा रहता था तो हर बार पॉल हेमिंग को प्रोटेक्ट करने आते थे हमारे ब्रॉक लेजनर। इसलिए गाइस पॉसिबली हमको ब्रॉक लेजनर रिटर्न आते हुए देख सकते हैं जहां पे गाइस वो ब्लड लाइन से बटला लेते हुए देख सकते हैं पॉल हेमन की पिटाई करने के लिए, जिसमें गाइस फिर हमको वॉर गेम्स के मैच के लिए भी तैयार होते हुए देख सकते हैं ब्रॉक लेजनर, जहां पे वो क्या पता पॉसिबली रोमन रेंस कोडी रोड्स के साथ टीम फोटो देखे और ये वन ऑफ द रीजन बन रहा है कि हमको ब्रॉक लेजनर भी शायद से ये जो कि रोमन रेंस वाली द ब्लड लाइन की स्टोरी है उसमें भी इन्वॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।